Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about the issues of unpaid domestic work. This topic is important from our syllabus GS Paper 1, Indian Society point of view, also important from our syllabus GS Paper 3, Indian Economy point of view. सबसे पहले समझते हैं अनपेड डोमेस्टिक वर्क होता क्या है सो so, जो तमाम एक्टिविटीज जो इन जनरल हाउस करती हैं घरों में उसको आप कह सकते हैं अनपेड केयर डोमेस्टिक वर्क जिसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता जैसे टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड क्लीनिंग होम कुकिंग टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड एज पीपल सच एक्टिविटीज आर कंस नोन एज अनपेड डोमेस्टिक वर्क अनपेड वर्क एज पर डेफिनेशन ऑफ ओसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है नॉट फॉर सेल इन द मार्केट मतलब मोनिटाइज वर्क नहीं है जनरली हाउस होल्ड केयर वर्क है उसको कहा जाता है अनपेड डोमेस्टिक वर्क और अनपेड डोमेस्टिक वर्क जो है वो

तो कोई भी गुड्स या सर्विस जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इकोनॉमी नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ जीडीपी सो दैट इज हाउ दे आर नोन एज द अनपेड केयर वर्क इज नोन एज हिडन इंजन ऑफ एन इकॉनॉमी दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस और सोसाइटी टू रन बट फॉर्मली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जी डी पी और इकोनॉमी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के हिसाब से अगर ये तमाम अनपेड एक्टिविटीज को मोनिटाइज किया जा सकता तो दे वुड एटलीस्ट बी इक्वल टू नाइन परसेंट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी दुनिया भर में जो इस तरह के अनपेड एक्टिविटीज होती हैं उनको अगर मॉनेटरी वैल्यू में देखा जा सकता तो लगभग दस प्रतिशत ग्लोबल जी का वो हिस्सा है अब सवाल ये उठता है कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क के इंप्लीकेशन क्या निकल करके आ रहे हैं ये जो डोमेस्टिक केयर की एक्टिविटीज हैं जो अनपेड हैं डोमेस्टिक वर्क इनके अनपेड नेचर के कारण क्या सोशल इंप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं पहला है जेंडर इनिक्वालिटी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसका नाम होता है जेंडर गैप रिपोर्ट ये रिपोर्ट काफी प्रोमिनेंट रिपोर्ट है आ, कभी भी पैट्रीआरकी पे या स्टेटस ऑफ वीमेन पे आप आंसर लिख रहे होते हैं तो जेंडर गैप रिपोर्ट को आप कोट करते हैं तो जेंडर गैप रिपोर्ट अगर तो ध्यान से देखा जाए तो उसमें पता चलता है अबाउट जेंडर इन इन अ सोसाइटी और जेंडर गैप रिपोर्ट में एक बात हमें पता चलती है कि जिन समाज में वीमेन का फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल से हमारा मतलब किसी तरीके के मोनेटाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में उनका योगदान कम है वहां पे इनक्वालिटी ज्यादा है सो so बेसिकली इसको कहा गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो देखिए या तो विमेन हाउस होल्ड एक्टिविटीज करती हैं या तो घरों से बाहर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करती है मतलब किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होती है तो जिन समाज में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा है वहां पे इनइक्वालिटी कम है एंड वाइस वर्सा जहां पे फीमेल लेबर फोर्स पार्ट पार्टिसिपेशन कम है वहां पे इनक्वालिटी ज्यादा है एकदम लॉजिकल बात भी है जहां पे भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पार्ट ज्यादा है यानी कि विमेन वहां पे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट विमेन फिर अपने लिए बेहतर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अपने लिए बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज इंश्योर कराएंगी और इस तरीके से जेंडर इनिक्वालिटी कम हो जाता है समाज में लेकिन जहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है यानी कि विमेन का एक्टिविटी ज़्यादातर मोनेटाइज नहीं है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में वो काम कर रही हैं they remain dependent on their male counterpart their husbands in general for their economic needs their educational and health needs and in that case gender inequality is more so we have a thin term basically female labor force participation it is uh, uh, regarding those women who are economically active outside the household and paid domestic work तो जहां पे भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हाई यानी कि हाउस होल्ड एक्टिविटी वर्क कम वहां पे इनइक्वालिटी भी कम तो मिला जुला करके मुद्दा यह है कि जहां पे भी वीमेन हाउस होल्ड एक्टिविटी ज्यादा करेंगी वहां पे वो इकोनॉमिकली अपने मेल काउंटर पार्ट पर डिपेंडेंट रहती हैं, और फिर उनके खिलाफ इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है economic invisibility so women are invisible in economic arenas they are limited to the household activities that is next social or economic implications of unpaid care work economic loss and reduced income overall for a country also this is an economic loss for a family it is reduced income when women are mostly engaged into household unpaid domestic work पर्सनल डेवलपमेंट क्योंकि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज होता है ना देखिए एक प्रॉब्लम क्या है कि वीमेन वेन इंगेज इन टू हाउस होल्ड एक्टिविटीज कुकिंग क्लीनिंग एंड देन को हॉस्पिटल विजिट्स ले जाना ऑल सच थिंग्स आर अनपेड वर्क तो नॉर्मली कैसा होता है कि सोच करके लोगों को लगता है कि अरे ये तो दिन भर घर पे रहती है सो so, ये इनडायरेक्टली विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और पेट्रीआरिटी को स्ट्रेंथन करता है मेल

और इसका नतीजा उनके सीधा सीधा हेल्थ और मेंटल वेलबींग भी पड़ता है घर के काम काज से फटी काफी ज्यादा होता है बर्नआउट स्ट्रेस ये तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर देखा जाए अनपेड वर्क का इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर अनपेड वर्क अनपेड हाउस होल्ड केयर वर्क का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है इंडियन वुमन स्पेंड्स अबाउटीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ हर टाइम एवरी डे इनपेड वर्क एस कम्पेयर टू जस्ट टू पॉइंट स्पेंड बाइल्ड केयर एज मैन तो ये दिक्कतें हैं इंडिया के अंदर खासकर वैसे तो पूरे दुनिया भर में बट इंडिया के अंदर खासकर अनपेड हाउस होल्ड वर्क इज डिस्प्रोपोर्शनेटली शोल्डर्ड बाई व उस कारण से उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल लिमिट हो जाती है तो इस प्रॉब्लम का टेक केयर करने के लिए क्या किया जा सकता है देर इज अड ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड किस तरह के पॉलिसी इंटरवेंशन तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्लीन वाटर घर में अवेलेबल हो सैनिटेशन क्लीन सैनिटेशन की फैसिलिटी घर में अवेलेबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे हो तो इससे क्या होगा क्लीन वाटर घर में अवेलेबल है तो वुमेन को पानी भरने बाहर नहीं जाना पड़ेगा जैसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब लकड़ी के चूल्हे के जगह पे विमेन जो है अभी एलपीजी सिलेंडर पे खाना बना सकेंगी तो इन सबसे उनके लिए वक्त बचेगा उनके पास कि वो खुद के लिए कुछ कर पाए उसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बेहतर हॉस्पिटल बेहतर स्कूल्स बनाए जाएं ताकि विमेन के ऊपर से एक्सेसिव बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर कम हो आंगनवाड़ी सेंटर्स को मजबूत किया जाए ये सब चीजें की जा सकती है तो पब्लिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे सरकार ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए उसके अलावा इज ए नीड ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स लोगों में एक जागरूकता और बातचीत की जरूरत है कि क्यों द हाउस होल्ड केयर वर्क नीड्स टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेन एंड वुमेन आज के डेट में इट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली बींग टेकन केयर बाय वुमेन मोर इक्विटेबल चाइल्ड केयर एंड मैटर्निटी पॉलिसी पॉलिसीज को और ज्यादा फ्रेंडली बनाया जाए इन ऑर्डर टू अवॉइडर देख लीजिए इसको याद रखिएगा मदरहुड पेनाल्टी मतलब मदर सो सी हैज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मेनी आस्पेक्ट्स ऑफ अर लाइफ स्पेशली और करियर आस्पेक्ट उसके अलावा कंपनीज कुछ टू प्रमोट वर्क फ्रॉम तो होमोट किया जाए जहां पर ले वर्क फ्रॉम होम कर ले ऐसे कंपनियों को थोड़ा बहुत मोनिटरी इंसेंटिव टैक्स कट्स दिए जा सकते हैं एक और आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अभी ये uh, बस आइडिया स्टेज में ही है of course, वो ये है कि देर कुड बी नोशनल सेग्रीगेशन ऑफ सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर ये क्या मामला है समझिए देखिए अभी कैसा है हस्बैंड बाहर जाता है जॉब करने दस घंटा जॉब करके घर आता है उसको लगता है कि वही कमा रहा है परिवार के लिए वाइफ तो घर में रह करके आराम कर रही है वो ये बात भूल जाता है कि वो दस घंटे या बारह घंटे बाहर जॉब इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी वाइफ उसके घर पर रह करके बच्चों का और उसके पेरेंट्स का ध्यान दे रही है अगर वाइफ बच्चों का और पेरेंट्स का ध्यान ना दे तो वो जो 12 घंटे बाहर जॉब करता उसके जगह पे शायद से वो छ ही घंटे काम कर पाए बाकी का छह घंटा उसको घर पे देना होगा तो इस कारण से अगर हाउसवाइफ है किसी की तो किसी भी इंसान की सैलरी उसका एम्प्लॉयर उसके अकाउंट में पूरा पूरा ना दे मान लीजिए कि उसकी सैलरी है एक लाख रुपए उसका एम्प्लॉयर उस अपने एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय के अकाउंट में पचास हजार रुपए दे और बाकी का पचास हजार उसके वाइफ के अकाउंट में दे तो ओवरऑल परिवार को एक लाख ही मिल रहे हैं लेकिन पहले सिर्फ मेल एम्प्लॉय के अकाउंट में सीधा एक लाख आता था तो उसको लगता है कि वो परिवार के लिए एक लाख रुपए कमा रहा है लेकिन अगर पचास हजार रुपए मेल एम्प्लॉय के अकाउंट में और पचास हजार रुपए उसके वाइफ के अकाउंट में जो हाउसवाइफ है जो उसके घर का टेक केयर कर रही है तो इट विल बी अ काइंड ऑफ मैसेज इट्स अ नोशनल आइडिया ओनली बट ऑफ कोर्स इट विल बी अ काइंड ऑफ मैसेज कि अकेला ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली ये जो वाइफ है वो चूंकि घर पर का कामकाज देख रही है इसीलिए वो इंसान बाहर पे फोकस कर पा रहा है सो दिस इज नोशनल सेग्रीगेशन ऑफ सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर बिटवीन मेल एम्प्लॉय एंड देयर हाउस वाइफ ऑफकोर्स ये जितने भी सोल्यूशन है इनका काफी लिमिटेड इम्पैक्ट होगा अनलेस लोगों के बीच में बिहेवियरल चेंज ना आए और हर एक इंडिविजुअल जो है वो इस प्रॉब्लम को सीरियसली जब तक लेना नहीं शुरू करेगा बिहेवियरल चेंजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक This problem is not going to get addressed. बहुत बार कैसा होता है है कि कि कुछ कानून भी ऐसे होते हैं हैं जो जो concept है motherhood penalty का के ऊपर ज़्यादा लगा देती हैं, वो मदरहुड पेनल्टी को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली पैट्रीआरकी को सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे देश में है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 जिसके अंतर्गत कोई भी

इनडायरेक्टली लॉज दो आर क्रिएटेड विद राइट इंटेंशन बट समेल इन मैटर्निटी लीव बनिटी लीव इसी कारण से एक बिल लाया गया था लोकसभा में पैटर्निटी बेनिफिट बिल टू थाउजेंड एटीन विच प्रपोज की पंद्रह दिन का पर्टर्निटी लीव भी होना चाहिए इट विल सेंड अ मैसेज टू द सोसाइटी नए बच्चे का न्यूली बोर्न चाइल्ड का टेक केयर करना फादर की भी जिम्मेदारी है बट ये कानून पास नहीं हुआ उस टाइम की मिस्टर गांधी जी ने कहा कि ये जो कानून है ये और मीनिंगलेस हो जाएगा ये जो फादर है न्यूली बॉर्न चाइल्ड के ये इस पंद्रह दिन को पेड हॉलीडे की तरह इंजॉय करेंगे आर नॉट गोइंग टू एनी वे सोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज फॉर ब्रिंगिंग समल चेंज ऑन ग्राउंड यू नीड टू ब्रिंग बिहेवियर चेंज बिहेवियल चेंज जब तक नहीं लाओगे कानून बना दोगे तो पंद्रह दिन ये भी छुट्टी मनाएगा घर में टीवी देखेगा काम तो ये करेगा नहीं बच्चे का तो ध्यान देगा नहीं इस डायरेक्शन में कहीं आप लिख सकते हैं एथिक्स वगैरह में कहीं इस पर सवाल हो तो कि कैसे 2020 में एक टेस्ट सीरीज के दौरान इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान विराट कोहली केम बैक टू इंडिया इन द मिडिल ऑफ द सीरीज इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ हिज न्यूली बोर्न चाइल्ड सो दिस की कोहली गेव अ मैसेज इज अ से मैसेज की टेकिंग केयर ऑफ द न्यूली बोर्न चाइल्ड इज नॉट दोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर बट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फादर देखिये ये जो कॉन्सेप्ट है केयर इकोनॉमी का अनपेड इकोनॉमी का अनपेड केयर इकोनॉमी का इस पर यूपीएससी ने इस बार मेन्स में प्रश्न पूछा था ये जो अभी अभी यूपीएससी मेन्स हुआ है जीएस पेपर थ्री में सवाल आया था डिस्टिंग एंड मॉनिटाइज इकोनॉमी मॉनिटाइज इकोनॉमी मतलब तमाम वो एक्टिविटीज जो मॉडर हैं जो फॉर्मल इकोनॉमी का या या जो इकोनॉमी का हिस्सा मानी जाती हैं फिर सवाल है कि हाउ कैन केयर इकोनॉमी ब्रॉड इंटू मॉनिटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट जितना मैंने डिस्कशन किया उसके बेसिस आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं So, स्तान के, के रिलेशन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और उससे हम लोग फिर करेंट चैलेंजेस को भी समझ पाएंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं अफगानिस्तान की अगर हिस्ट्री को समझनी है तो हमें कोल्ड वॉर के टाइम में जाना ही होगा देखिए कोल्ड वॉर वॉर ए प्रॉक्सी जहां पे यूएस US और यूएसएसआर ब्लॉक जो है आपस में कन्फ्रंट कर रहे थे बट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली एट अदर लोकेशन इन द वर्ल्ड इसीलिए इसको कहा गया प्रॉक्सी वॉर इनडायरेक्टली अलग अलग जगहों पे लड़ाई कर रहे थे पावर प्रोजेक्शन कर रहे थे बट नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग ईच अदर तो इसी तरह की प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई वियतनाम में या कोरिया में और ऐसी प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान में भी लड़ी गई ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम तो सबसे पहले क्या हुआ 1979 में यूएसएसआर ब्लॉक ने अफगानिस्तान को इनवेट किया और अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया अब यूएस तो चुपचाप से देख नहीं सकता था कि अफगानिस्तान को यूएसएसआर कैप्चर कर ले तो फिर यूएस ने यहां पे इनडायरेक्टली इंसर्जेंसी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करना शुरू किया यूएस ने क्या किया आर्म्स एम्यूनेशन भेजने शुरू किए और यहां पे मुजाहिदीन यानी कि लोकल के लोग जो हैं उनको ट्रेन देना ट्रेनिंग कुड़ फाइट एस द यूएसएसआर आर्मी इन अफगानिस्तान और ये काम यूएस कर रहा था वाया पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान इज इन अप्रोक्सी विद अफगानिस्तान तो पाकिस्तान की मदद से इन लोगों को आर्म्स एम्यशन ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि यहाँ पे ये यह डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और यूएसएसआर को अपनी पोजीशन को यहाँ कॉन्सोलिडेट होने ना दे तो क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से समझें तो ईरानियन रिवोल्यूशन हो चुका था अगेंस्ट यूएस ईरान तो वैसे भी यूएस के अगेंस्ट है इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन कर दिया था नाइनटीन में और अगर अफगानिस्तान भी यूएस के हाथ से पूरी तरह से निकल जाता और यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाता तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्क बन जाता स्ट्रॉन्ग आर्क विच वुड अल्टीमेटली लीड टू इन सर्कलिंग ऑफ पाकिस्तान विच वॉज पार्ट ऑफ यूएस ब्लॉक तो कोल्ड वॉर में तो ये तमाम चीजों पे काफी ध्यान रहता था कि ये आर्क ना बने पाकिस्तान जो है वो यूएस का अलाई था कोल्ड वॉर के टाइम में तो पाकिस्तान के थ्रू फिर यूएस ने आर्म्स एमिनेशन और फंडिंग सपोर्ट दिलवाना शुरू किया अफगानिस्तान के अंदर यह मुजाहिदीन की ट्रेनिंग हुई मुजाहिदीन कैप्ट ऑन फाइटिंग अगेंस्ट द यूएसएसआर बट यूएसएसआर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गॉट इकोनॉमिकली वीक यूएसएसआर गॉट डिस इन नाइनटीन एंड विथ दिस द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड USSR forces pulled out of Afghanistan, और फिर यूएसो इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान खत्म हो गया अफगानिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान ने जो इन मुजाहिदीस को ट्रेन किया था इनका वो क्या करे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आई एस आई पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने डायरेक्टली मुजाहिदीन को ट्रेन किया था ऑन इंसिस्टेंस ऑफ यू एस अब ये पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के कंट्रोल में आ गए क्योंकि यूएस का तो इंटरेस्ट खत्म हो गया था इस एरिया में आफ्टर कोल्ड वॉर तो फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी ने इन मुजाहिदीन को डाइवर्ट करना शुरू किया टू वार्ड्स इंडिया इन मुजाहिदीन का ओवरऑल मोटिव बदल दिया इनके जिंदगी का कि यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन इस्लामिक ब्रदर्स एंड इंडिया इज इस एंटी इस्लामिक कंट्री इस तरह के आइडियाज को प्रपोज करके धीरे धीरे इन मुजाहिदीस को क्रॉस बॉर्डर टेरिज्म में लगाया तो आप मान सकते हैं कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का डायरेक्ट लेना देना है विथ राइज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर काफी पीसफुल था नाइनटीन तक जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था तब तक जम्मू कश्मीर काफी पीसफुल था और एक और कोल्ड वॉर खत्म और धीरे धीरे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में तमाम तरह के प्रॉब्लम शुरू हो गए अदरवाइज जम्मू कश्मीर में तमाम फिल्में बना करती थी नाइनटीन से पहले कई सारे गानों की वहाँ शूटिंग हुई है नाइनटीन नाइनटीज में वहाँ पे एक्सट्रीम राइज ऑफ टेरिज्म क्यों क्योंकि यहाँ पे जो मुजाहिदीन हैं इनको रेडिकलाइज किया गया और इन्हीं रेडिकलाइज मुजाहिदीन का नाम पड़ा तालिबान इनको तालीम दी गई एजुकेशन दी गई हार्डकोर या रेडिकल इस्लाम की और ये काम पाकिस्तान इनडायरेक्टली कर रहा है और धीरे धीरे इन टेर इन लोगों को इंडिया के अगेंस्ट टारगेट किया गया और कई सारे 1990 से लेकर के ईयर 2000 तक कई सारे टेरर अटैक्स हुए इंडिया के ऊपर फॉर एग्जांपल एक प्लेन हाईजैक हो गया था इंडिया का जो तो नेपाल से चल रहा था उसको दिल्ली जाना था उसको ले जाकर के इन्होंने कांधार ले गए थे अफगानिस्तान के और वहां से उन्होंने एक टेररिस्ट को रिलीज कराया अजहर मसूद को जिसने बाद में हमारे देश के अंदर उड़ी अटैक कराया 2016 में तो सोचिए अगर ये सब नहीं होता तो शायद ची अटैक नहीं होता इतने सारे प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होते इन आतंकवादियों ने तालिबानियों ने ये प्लेन हाईजैक करके अजहर मसूद को छुराया था और इंडिया 1990 से लेकर के साल 2000 तक टेरोरिज्म को लेकर के काफी परेशान था बट यूएस हार्ड नो इंटरेस्ट इन टेररिज्म इश्यूज इंडिया हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टेरोरिज्म इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट यूएस को कोई मतलब नहीं था इससे इंडिया ने इनफैक्ट एक कन्वेंशन uh, भी प्रपोज किया था आर्ट यूनाइटेड नेशन के एंटी in टेरर कन्वेंशन यूएस नॉट सो वेरी इंटरेस्ट इन एडॉप्टिंग दैट एंटी टेरर कन्वेंशन लेकिन यूएस के ऊपर फिर टेरर अटैक हो गया 2001 में नाइन अलेवन यही तालिबान ने कराया तालिबान और अलकायदा का नेक्स इसका लीडर ओसामा बिन लादे और फिर उसके बाद यूएस स्टार्टेड टू टेक द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म मोर सीरियसली एंड देन यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू डू अवे विद द टेरर एक्टिविटीज एंड नेक्सस ऑफ तालिबान एंड अलकायदा इन अफगानिस्तान ये नाइन अलेवन के अटैक के बाद यू स्टार्टेड टू डायरेक्टली इंटरवीन इन द टेरर एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान बट यूएस की आर्मी तो अफगानिस्तान में इसी आ, गोल के साथ पहुंची थी कि यहाँ पे टेररिज्म को खत्म कर देंगे और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ले आएंगे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ले आएंगे जब तक यूएस की आर्मी यहाँ पे थी तब तक दे वेर सम हाउ एबल टू कर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ तालिबान उन्होंने वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इस्टबलिश कर दिया लेकिन जब तक यूएस की आर्मी थी तब तक जैसे तैसे इन्होंने वहां पे तालिबान और अलकायदा को कंट्रोल में रखा था बीस साल तक वो रहे साल दो हजार अटैक के बाद 2021 तक और जैसे ही यूएस की आर्मी ने यहां से पुल आउट करना शुरू किया जो डिसाइडेड कि US आर्मी भी पुल आउट 20 साल एक एक देश में. अब कितने दिनों तक कई देश के अंदर इतना सारा खर्च करते रहेगी आर्मी पे युएस। तो युएस आर्मी पुल आउट इन 2021। और जैसे ही वो अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी हटी तालिबान ने वापस से यहां पे पावर कैप्चर कर लिया दस दिन से तो में यूएस की आर्मी हटी और दूसरी तरफ दस दिन के अंदर तालिबान ने यहाँ की सरकार को हटा दिया अशरफ घानी वहां के प्रेसिडेंट थे ही हैड टू लीव द कंट्री ही फ्लेट द कंट्री देश छोर के भाग गए और तालिबान ने वापस से पावर कैप्चर कर लिया तालिबान केम टू पावर इन 2021 15 अगस्त आई थिंक वाज़ द डेट जिस दिन तालिबान पूरी तरह से उसने पावर कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान के अंदर वापस से अब इंडिया के लिए वापस से खतरा बढ़ गया क्योंकि एक बार वापस से तालिबान यहाँ पावर में आ गया तो इसका मतलब है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकता है लेकिन अब लगभग दो साल हो गए इंडिया काफी क्लोज वॉच रख रहा है इस पूरे इशू पे अभी तालिबान एग्जैक्टली exactly पाकिस्तान के साथ उस तरीके के नेक्सस में काम नहीं कर रहा जैसा पहले वो कर रहा था 2001 से पहले यूएस के इंटरवेंशन से पहले अर्लियर तालिबान आज स्लेव और यूएसए सर्वेंट पाकिस्तानी आर्मी एंड आई एस आई नाउ ऐसे तालिबान का रूल ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं सो दैट इज वाई इंडिया एंडेड इट्स डिप्लोमैटिक टाइज विद तालिबान बट ये तालिबान अब आया है दो हजार इक्कीस में इसके तरीके अलग है ये पूरी तरह से टेरोरिस्ट ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहा है इट इज consolidating itself as a government they दे आर नॉट एक्टिंग अंडर रिमोट कंट्रोल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी तो धीरे धीरे जब उन्होंने अपना पोजीशन वहां कंसोलिडेट कर लिया सरकार चला रहे हैं तरीके उनके काफी सारे खराब हैं पहले की तरह ही विमेन के राइट्स को तमाम सप्रेस कर दिए हैं सरियत लॉ लगा दिया है वो हैं लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहे तो एक बात समझ आ गई है इंडिया को कि शायद से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इज गोइंग टू स्टे एज ए गवर्नमेंट और अगर हमें अपने देश के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अवॉइड कराना है तो वी नीड टू में गुड टाइज विथ तालिबान सम एक्सटेंट इफ नॉट फॉर्मली एटलीस्ट इनफॉर्मली तो अगस्त 2021 में तालिबान पावर में आया दिसंबर तक इंडिया ने अफगानिस्तान की सरकार यानी कि तालिबान से कोई संबंध नहीं रखे लेकिन फिर दिसंबर में धीरे धीरे इंडिया ने अपना अप्रोच बदलना शुरू किया धीरे-धीरे वापस से इनफॉर्मल रिलेशन शुरू किए हमने अफगानिस्तान के साथ हमने 50000 टन ऑफ व्हीट मेडिसिंस वैक्सींस भेजे अफगानिस्तान में इन ऑर्डर टू असिस्ट अफगानिस्तान व्हिच वाज सफरिंग फ्रॉम पोवर्टी एज वेल एज बैडली स्ट्रिकन विद कोविड तो इंडियन एंबेसी ने एक टेक्निकल ऑफिस खोला हमने अपनी एंबेसी का एक टेक्निकल ऑफिस खोला अफगानिस्तान के अंदर जून 2022 में पूरी तरह से हमने रिलेशन को वहां पर नॉर्मलाइज नहीं किया लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने नॉर्मलाइज करना शुरू किया तो वाई वी आर लुकिंग टू हैव गुड टाइज विद अफगानिस्तान इवन वेन देर इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप इन पावर तालिबान क्योंकि हम समझ रहे हैं कि तालिबान इज कॉन्सोलिटिंग इट्स पोजिशन सो तालिबान इज गोइंग टू स्टे देयर दे नो हाउ टू रन गवर्नमेंट ये पहले की तरह सिर्फ टेरर ग्रुप नहीं है तो जब वहां पर रह रहे हैं तो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को उनके साथ अच्छे संबंध बना नहीं होंगे सेकेंड इंडिया माइट गेट लेफ्ट आउट हम नहीं रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तालिबान के साथ बाकी पाकिस्तान रशिया चाइना ये सब कर लेंगे और वी विल बी आउट ऑफ द गेम एंड देन अगेन पाकिस्तान विल यूज दिस तालिबान अगेंस्ट इंडिया थर्ड सिक्योर इंडिया इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान इंडिया ने कई सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए है हैं अफगानिस्तान के अंदर साल 2001 से लेकर के 2021 तक जब वहां पे डेमोक्रेसी आई हमने वहां पे आ, रोड बनाए हैं जरांज देलाराम हाईवे वहां का पार्लियामेंट हमने बनाया है न्यू अफगानिस्तान पार्लियामेंट वहां पे स्कूल्स बनाए हैं हॉस्पिटल्स बनाए हैं तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद नाउ अगर ये सारे इन्वेस्टमेंट डिसरप्ट हो जाते हैं हमारा पूरा हमारा पूरा कनेक्शन टूट जाता है अफगानिस्तान के साथ तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स बेकार हो जाएंगे सो इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंटेन स्टिल गुड टाइज विद तालिबान रिलेटिवली बट एट द सेम टाइम हम लोग तालिबान के साथ पूरी तरह से फॉर्मल रिलेशन भी नहीं रख सकते तो हमने पूरी तरह से एम्बेसी अफगानिस्तान के अंदर खोला है नहीं क्योंकि तो एम्बेसी खोलने का मतलब होगा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना लेकिन हमने इंडिया के अंदर तालिबान की अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उसको ऑपरेट करने दिया तो अफगानिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में है और तालिबान के आने से पहले से वो ऑपरेट कर रही थी हमने उसको बंद नहीं किया तालिबान के आने के बाद भी लेकिन उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं दिया वहां के जो ऑफिशियल्स थे उनको कोई बहुत ज्यादा हमने सपोर्ट या प्रोटोकॉल्स भी नहीं दिए इसी को लेकर के नाउ तालिबान ए स्ट्रिक्ट स्टैंड एंड तालिबान हैज डिसाइडेड टू सट इट्स अफगान एम्बेसी इन डेली एंड सीज इट्स ऑपरेशन क्लेमिंग कि भारत की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सो दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फेल्ड टू मीट एक्सपेक्टेशन टू सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान तो इसलिए उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन तालिबान के आने के बाद मतलब काफी आप समझिए कॉम्प्लिकेटेड uh, हो गए हैं वी वी डू नॉट हैव फॉर्मल बट तालिबान हार्ड इट्स एम्बेसी इन इंडिया एंड दैट एम्बेसी कंटिन्यूड इवन बिफोर कमिंग ऑफ तालिबान बट इंडिया डिड नॉट क्लोज दैट एम्बेसी आफ्टर कमिंग ऑफ ऑफ तालिबान तो इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू गिव ए मैसेज कि हम तालिबान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते लेकिन हमने अफगानिस्तान के अंदर भी फॉर्मली एम्बेसी खोला नहीं तालिबान की एम्बेसी को इंडिया में कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया नहीं अब तालिबान नाराज हो गया है वो बंद कर रहा अपनी इंडिया इंडिया। अभी, इंडिया के साथ एक है कि इंडिया तालिबान रहेगी तो अगर हम लोग पूरी तरह से इसको कोऑपरेट करते हैं इसकी एम्बेसी के ऑफिसर्स को तमाम प्रोटोकॉल्स देते हैं तो दैट वुड बी मैसेज कि वी आर रिकॉग्नाइजिंग तालिबान एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट और वो मैसेज देने का मतलब है कि फिर इंडिया विल बी कंडेमली क्लेम्स इट से तो ये तमाम प्रॉब्लम इस कारण से कहा जा रहा है डेमोक्रेटिक टाइटरोप वॉक जिस तरीके का डेमोक्रेटिक टाइट्रोप वॉक हमारा म्यांमार में है वहाँ पर भी मिलिट्री जनता की सरकार है हमें बैलेंस करना है अपना नेशनल इंटरेस्ट इसी तरीके का नेशनल इंटरेस्ट हमें तालिबान के केस में भी बैलेंस करना है सरकार को लेकर के मेजर बदलाव ला रही है Assam के अंदर। तो पहले कैसा होता था कि एक डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर होते थे सब डिवीजन जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कचार डिस्ट्रिक्ट कचार डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर होते थे सब डिवीजन जैसे सिलचर एंड लखीपुर और सब डिवीजन के अंदर फिर कई सारे रेवेन्यू सर्कल्स होते थे जैसे सिलचर लखीपुर सोनाई उदरबंद कोटीगर तो ये होता था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन तीन लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एंड रेवेन्यू सर्कल्स अभी डिस्ट्रिक्ट का टेक केयर करते थे डेप्यूटी कमिश्नर्स फिर सब डिवीजन लेवल पे एडीसी ऑफिसर्स और रेवेन्यू सर्कल लेवल पे सर्कल ऑफिसर्स होते थे अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लिए जा रहे हैं ये तीन लेवल पे होता था ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्यादातर काम देखे जाते थे वॉज टेकन केयर बाय डेप्टी कमिश्नर फिर उसके नीचे सब डिविजन लेवल फिर रेवेन्यू सर्कल लेवल अब नया सिस्टम कैसा होगा उसमें दो ही लेवल होंगे सब डिविजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच का एक लेवल बनाया गया है जिसको कहा जा रहा है सब डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट विल बी हेडेड बाय एडीसी और नीचे फिर सर्कल लेवल है दैट विल बी हेडेड बाय सर्कल ऑफिसर एंड ओवरऑल दिस विल बी टेकन केयर बाई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पहले देखिए अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेजर काम नहीं होगा कचार लेवल पे होंगे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पहले इस कचार लेवल पे जो होते थे उनको कहा जाता था डेप्यू कमिश्नर अब होंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मान लीजिए कचार का तो मैंने बस एग्जाम्पल लिया ऐसा होगा सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लेकिन सारा काम नहीं देखेंगे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाएगा अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट को हेड करेंगे एडीसी और उनका पावर जो होगा पहले के डेप्यूटी कमिश्नर जैसा होगा जैसे पहले डेप्यूटी कमिश्नर का पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट होता था वैसे ही अब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडीसी का पावर होगा जो सारे कामकाज देखेंगे तो प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट कि द न्यू सिस्टम विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2024 द डीसी पहले डीसी को कहते थे हम लोग डिप्टी कमिश्नर आप कहेंगे डिस्ट्रिक्ट तो कमिश्नर एंड दिस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर विल टेक केयर ऑफ द मैक्रो पिक्चर द ऑफिसर्स एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एडीसी विल टेक केयर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज जैसे ये कचार को डिवाइड कर दिया जाएगा दो मान लीजिए सब डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पे जो एडीसी होगा वो पहले के डीसी जैसा सारा पावर एंजॉय करेगा और अब जो डीसी होगा उसको कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वो मोटा मोटा मैक्रो मैनेजमेंट करेंगे मैक्रो मैनेजमेंट लेकिन माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो सब डिस्ट्रिक्ट

पेज वर्क अबाउट आर्ट एंड एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है बारह सौ पचास पेज में जो स्वीडिश अकेडमी है स्टॉकहोम में जो देती है नोबल प्राइज इन लिटरेचर उसने स्टेटमेंट दिया कि हैज बीन गिवन दिस नोबेल प्राइज फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज फिर विच गि वॉइस टू अनसेबल तो ऐसी ऐसी बातें जो नहीं कही जा सकती हैं बोलने एक्सप्रेशन की बातें हैं उसको भी उन्होंने वॉइस दिया है इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज इन दिस क्वेश्चन आंसर इन द कमेंट सेक्शन तीसरा रिवर्स से रिलेटेड बस दूसरा स्टेटमेंट सही है क्वांटम तो डॉट से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही है दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग